रांची के धुरवा डैम में एक बड़ा हादसा हुआ है। चार दोस्त स्नान करने के लिए पहुंचे थे जिसमें कि एक की डूबकर मौत हो गई है। दो डूब रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, दो में से एक को बचा लिया गया लेकिन एक को नहीं बचा पाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने अभी शव को बरामद कर लिया है और देखिए हमारे पीछे ये एनडीआरएफ की टीम है जो अभी शव को बरामद करके फिर यहाँ पर पहुँची है। क्या कितने भीतर 25 से 30 फीट नीचे थे गहरे पानी में, यहाँ से लगभग 50 मीटर यहाँ से काफी वो आगे चला, हाँ आगे चला गया था। ये देखिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो उन्होंने शव को बरामद किया है और अभी शव को पानी से बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ की पूरी टीम पिछले एक घंटे से यहाँ पर लगी हुई थी। चार दोस्त यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे थे, जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान अभिषेक के रूप में हुई है जो खलारी का रहने वाला है। देखिए अभी स्ट्रेचर पर रख कर शव को ले जाया जा रहा है। जो परिजन हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है अब एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है। देखिए पूरा जो ये धुरवा डैम है वो भर चुका है क्योंकि जिस जिस लोगों तक ये सूचना मिली वो यहाँ पर पहुँचने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि कैसे ये हादसा होता है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनका कहना है कि हर दिन ऐसी घटनाएँ घट रही है लेकिन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या आप लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे ये घटना घटी, क्या जानकारी? देखिए ये नहाने के क्रम में घटना घटी है। ये बच्चा जो है धुरवा में पढ़ाई करता था, ये खलारी बचरा के रहने वाले हैं जो कि यहाँ आके नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उस बोट पे चढ़ने के क्रम में वो बच्चा का सांस फूलने लगा, कैपेसिटी ख़त्म हो गई, उसके वजह से वो पानी में जाके डूब गया और ये घटना हुई है। ये हम एनडीआरएफ की टीम को, एनडीआरएफ टोटल टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये इतने एक डेढ़ घंटा के मुशक्क़त के बाद ये बॉडी को निकाला गया है। सो टोटल ऑल टीम ऑफ जो घटना घट रही है उस पर लगातार ये जो घटना घट रही है ये काफ़ी, देखिए बहुत कुछ दिन पहले आप देखे होंगे अभिषेक कुमार पुष्प की यहाँ घटना हुई थी, एक टेम्पू जो टला गया था डैम में। ये प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे जमावड़ा जो लग रहा है ये ना हो, क्योंकि पानी खतरनाक जगह है। इसको जो है एक रेड लाइन करना चाहिए कि यहाँ के अंदर नहीं जाए, देखना चाहिए, डिपुट करना चाहिए प्रशासन को। नगरी थाना प्रभारी को भी सोचना चाहिए और धुरवा प्रभारी को भी समझना चाहिए कि ऐसा घटना ना हो, इसका जो है सो कि हम लोग पाबंदी लगाएँ। बिल्कुल लगातार ऐसी घटना घट रही है और यही वजह है कि स्थानीय लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए हमारे पीछे ये लोकल थाने की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और वो उस गाड़ी पर शव को रखकर अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी परिजन का इंतज़ार किया जाएगा जो खलारी के बचरा के रहने वाले हैं वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पढ़ने वाले स्कूल और कॉलेज में लड़के यहाँ पर पहुँचते हैं और स्नान करने के दौरान आगे फिसल जाते हैं, ना कोई बैरिकेटिंग है, ना सुरक्षा के कोई मापदंड है और यही वजह है कि हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आगे से ऐसी घटना फिर से ना घटे। अपने सहयोगी शशि प्रताप के साथ सनी सारद, ABC News रांची।